Un beso, ya como. यहाँ से चीता गेम से तीन लोग, जिसमें मेरा एक भाई था बाबा, और एक अन्ना दोरे नाम का आदमी था, और एक गणपति नाम का आदमी था, ये लोग तीनों दोस्त थे। और ये लोग कृष्णमूर्ति नामक एक ठेकेदार था, वो लोग के साथ गए थे। वो लोग पहले गणपति नाम का जो उसके साथी था वो नीचे उतरा हुआ था सबसे नीचे, वो लोग ने कुछ दो घंटा काम किए उधर पे। उसके बाद में गणपति जो है गिर गया, तो उसको निकालने के लिए मेरा भाई जो बाबा रऊफ था वो नीचे उतरा, तो उसको भी गैस मारी और वो भी गिर के उधर ही मर गया। फिर जो अन्ना दोरे था, अन्ना दोरे भी नीचे उतरा, उसको भी गैस ने लपेटे लिया और उनको निकाला कृष्णमूर्ति ने, अन्ना दोरे को और मेरे भाई बाबा को, इसको कृष्णमूर्ति निकाला। और गणपति उन लोगों को मिला नहीं, तो कृष्णमूर्ति जो लेके गया था वो भाग गया, वो और जो पैसा लेता था संडास का, जो बाथरूम का पैसा लेता था, वो दोनों भाग गए। और उसके बाद में फिर वहां के लोगों ने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, फिर फायर ब्रिगेड ने गणपति को निकाला, फिर ये तीनों को वहां के हॉस्पिटल में पहुंचाए, जिनकी वहां पे डेथ हो गई। फिर ये केस हुआ और हमको ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से पता चला शाम को 6 बजे। हमारे घर पे आदमी आया, पुलिस वाला हवलदार आया, वो आके बताया कि ऐसा ऐसा कांदौली में आपके भाई का टंकी में, संडास की टंकी में गिरने से शौचालय की मौत हो गई। इतना दूर कांदेवली वो जाने वाले ये भी हमको मालूम नहीं था। वो लोग वो दिन गए साथ में उसके, और उन लोग का डेथ हुआ कुछ 2 बजे, हमको पता चला शाम को 6 बजे। हमको पता चला कि FIR हो गया, केस हो गया। फिर वहाँ पे वो वहाँ पे कोई नगर सेवक है पुराना, एक्स नगर सेवक, उनका भी इन्वॉल्व था उसमें। वो लोग वहाँ पे कुछ केस में क्या किए पता नहीं, हमको पता चला केस हो गया। फिर हमको बुलाया गया अगले दिन सुबह में 7 बजे के बॉडी के लिए, तुम सुबह 7 बजे, तो हम लोग वहाँ से बॉडी लेके आने तक शाम को 6 बजे पोस्टमार्टम हुआ, लेके फिर उस एम्बुलेंस में हम लोग इधर आए शाम को 6 बजे। वो मेरे पति काम पे गए, काम पे गए थे, चेहरा भी नहीं देखा। जो जो उनको काम पे लेके गए थे वो लोग आए थे आपको मिलने? हाँ, उन लोग आए थे। मैम वो क्या चिता के काम करते थे, हम वो चेंबूर गोंडी से इधर ही काम करते थे, उतना लंबा कैसा गया कुछ पता नहीं, वो मूर्ति सामने लेके चले गए। MC का कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद अगर BMC के कारीगरों से अगर काम कराते तो ज्यादा पैसा देना, कम पैसे में मिल जाता है इनको मजदूर, तो ये बाहर से मजदूर लेके, जैसे कृष्णमूर्ति इनका कॉन्ट्रैक्टर था तो उसको कम पैसा दिया, उसको जो है मतलब कम पैसा देके हमारे भाइयों को जो है कम लेके जाके काम करा लिए वो लोग। अरे जो बाथरूम वाला है उसको पकड़े, 3 लोगों को पकड़े है ऐसा बता रहे, जिसमें से अभी अभी ऐसा सुनने में आया 2-4 दिन में कि एक जन की जामीन हो चुकी है, अभी 2 लोग अभी भी बंद है पुलिस स्टेशन। अभी आप लोगों को किस किस तरीके की मदद किसी ने की है ये सब हादसा होने के बाद में? यह हादसा होने के बाद में मदद के नाम पे अभी तक तो हमको कुछ मिला नहीं है, सिर्फ ऐसे ही संस्था वाले आते हैं और पूछते हैं कैसे हुआ क्या हुआ, डिटेल लेते हैं और चले जाते। BMC के साथ में आपने कोई बातचीत की क्या इसके बारे में? BMC का वकील आया था हमारे पास, वो इस बारे में हमारे से डिटेल लेके, हमारी ID प्रूफ लेके, जो मरने वाले उनकी ID प्रूफ लेके गया हुआ है, और अभी तक कोई मदद तो नहीं आई सरकार की ओर से, कोई मदद इनके परिवार को मिली है? सब लोग बोल रहे, सब 5 लाख मिल गया, 7 लाख मिल गया, 2 लाख मिल गया, सब लोग बोल रहे, 1 रुपये नहीं दिया।